मैं रणबीर सिंह पठानिया भारतीय जनता पार्टी का प्रांत का प्रवक्ता हूँ, पूर्व में विधायक हूँ। मेरे साथ इंचार्ज इस वक्त जिला के अध्यक्ष श्रीमान बाबूराम शर्मा जी, धनंतर सिंह कोतवाल जी हमारा जिला विकास परिषद के अध्यक्ष, संगीता जी जिला विकास परिषद की उपाध्यक्ष, जितने भी वरिष्ठ हमारे ज़िला डोडा से नेतागण आज यहाँ पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी प्रेस बंधुओं का हम धन्यवाद करेंगे कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में और अपने एक बिजी शेड्यूल के बावजूद भी ये थोड़ा ऑड टाइम रहता है प्रेस के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक आइडियल टाइम रहता है 11 बजे या 12 बजे, लेकिन उसके बावजूद आप आए, आपका भी धन्यवाद वादन और अभिवादन करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय डायरेक्ट जैसे कि तय किया गया ऊपर से कि हर जिला स्तर पर जाके भारतीय जनता पार्टी बजट 2024 को लेके सबसे पहले तो मीडिया के बीच में, ताकि लोगों के बीच की कुछ भ्रांतियाँ उसमें रिमूव हो पाएँ, और कार्यकर्ता बंधु भी आपस में इसके बाद बजट पर चर्चा। बजट पर चर्चा का मतलब है कि पहले तो हम बजट को उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझ पाएँ, एक पार्ट। दूसरा, विपक्ष अपने आप में अद्वितीय, अपने आप में एक जिसे कहते हैं ऐतिहासिक, अपने आप में एक बिल्कुल समावेशी बजट को विपक्ष खोखले नारों से, खोखले नैरेटिव्स के साथ और दाएं और बाएं करके इस बजट की दिशा बदलना चाहता है, लेकिन एग्जैक्ट जो उस बजट में है उस पर कम से कम इस पर बात हो जाए। मैं चर्चा करने से पहले दो जगह, मैं बिना नाम लिए, एक बहुत बड़े विपक्ष के नेता बजट के दौरान चर्चा में कास्ट सेंसस की बात करते हैं, फॉरम लॉज की बात करते हैं, ठीक है। कास्ट सेंसस पे भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, उनका भी एक स्टैंड होगा। फॉरम लॉज पे भी भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, उनका भी एक स्टैंड होगा, लेकिन कोशिश की गई कहने के बजट पे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। देश का एक जिसे कहते हैं सुप्रीम कानून मेकिंग बॉडी है, और वो जो समय है वो लोगों का है, वो जनता का है, वो टैक्स पेयर्स मनी से चलता है और लोग इसलिए चुन के उनको भेजते हैं। तो जिस तरीके से इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तय किया गया कि हम यहाँ बैठ के इस पर डायरेक्ट इस पर जिसे कहते हैं बात कर पाएँ। तो जैसे ये आपका सवाल हो, मैं आप ही को जिसे कहते हैं सवाल को आपके प्रिडिक्ट करूँ या जिसे कहते हैं प्रीमोनिश करूँ आपको कि ये बजट अपने आप का अद्वितीय और समावेशी ये बजट है। चार बिंदुओं पे इस बजट पे जिसे कहते हैं फोकस किया गया, ये चार कैटेगरीज, चार जिसे कहते हैं जातियाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़ी देर पहले अपने अभिभाषण में जिसे कहते हैं डिलीनिएट की थी। सबसे पहले युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चार को लेके फोकस करके ये जो इस बार का जो बजट जिसे कहते हैं जो इंट्रोड्यूस किया गया, और इस बजट में सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया गया सबसे पहले है रोज़गार पे। मैं आऊँगा कैसे रोज़गार पे। दूसरा, स्किलिंग पे, स्किल इंडिया, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को स्किल कर पाएँ और फिर उनकी जॉब में एब्जॉर्प्शन हो पाए। तीसरा, MSMEs में, और चौथा, मिडिल क्लास में। डायरेक्टली इस बजट का जो सबसे रिफॉर्मेटिव जिसे कहते हैं, जो सबसे एक कदम है, स्टेप है, इस बजट में जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15-15 हज़ार एक स्टाइपेंड की बात करें वो सरकार देगी। इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, कोई वापसी नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हर स्टार्टअप को 3 बारी, छोटे से छोटे स्टार्टअप को, और इस स्टार्टअप में 2,10,00,000 बेनिफिशरीज एनलिस्ट किए गए हैं। हर स्टार्टअप को 15-15 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर फॉर्मल जिसे कहते हैं सेक्टर में नए एंट्रेंट को सरकार 3 साल का पुशअप एक देगी। 2,10,00,000 लोग इससे जिसे कहते हैं फ़ायदा लेंगे। फिर वो एम्प्लॉयर जो अपनी वर्कफोर्स को बढ़ाते हैं, और वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए 2 वर्ष तक, 2 ईयर्स तक पर एम्प्लॉय 2,000 सरकार देने का काम पड़ेगी। 50 लाख ऐसे जो मुलाजमीन हैं जिनके लिए 3,000 रुपया पर मंथ 2 वर्ष तक सरकार जिसे कहते हैं एक कैपिटल के तौर पे, एक इंसेंटिव के तौर पे उन एम्प्लॉयर्स को डायरेक्टली इसमें देगी। जो सरकार का फोकस है कि हम प्रॉपर, मैंने कहा कि MSMEs को और नौजवान को और रोज़गार को हम फिलअप करेंगे। तीसरा, रिकॉर्ड 20 लाख जो नौजवान हैं, 1,000 ITI, दो आंकड़े हैं, 20 लाख नौजवान और 1,000 ITI के माध्यम से इनको स्किल इंडिया के माध्यम से जोड़ने की बात की जाएगी, जो अपने आप में एक जिसे कहते हैं अद्वितीय है और अपने आप में समावेशी है, जो भारत के जिसे कहते हैं पूरे परिपेक्ष को बदलेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इससे पहले हम कहते हैं कि वो गुलामी की मानसिकता से आए, मॉडल 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 विलेज की बात करते हैं। 63,000 शेड्यूल ट्राइब मेजॉरिटी वाले
वो जो शेड्यूल ट्राइब पूरे देश में जो एनलिस्टेड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, चाहे उसमें गुजर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, सिपी हैं, कोली हैं, तो इनकी मेजोरिटी वाले 63,000 गाँव प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के साथ जिसे कहते हैं जोड़ने की बात इस बजट में की गई है। विकास और विरासत, विकास भी हो और विकास के साथ हम अपनी विरासत को भी प्रोजेक्ट कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये भी सरकार ने जिसे कहते तय किया है। मुद्रा लोन, जैसा कि इस ज़िला डोडा में भी मुद्रा लोन का बड़ा एक इम्पैक्ट है, मेल और फीमेल सभी लोग इसमें खासकर सर्विस सेक्टर में यहाँ से मुद्रा लोन के साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, इसकी लिमिट बना के 10 लाख से 20 लाख तक की गई है, तो डबल करने से भी मुझे लगता है इसमें। और थोड़ा यहाँ से जो शिकायत आई हमें, वहाँ से जो एक डिमांड आई लोगों की तरफ से कि इसमें थोड़ा सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट थोड़ा सा वो स्लगिश है सरकार की तरफ से, वो बात की जाएगी जल्द से जल्द इसमें ये पार्ट भी जिसे कहते हो, तो और इसमें MSSEs को हम थोड़ा सा पुश कर पाएँ। इन सब के अलावा 500 टॉप कंपनीज में, ये अपने आप का नया बजट इसलिए है कि इस देश की 500 टॉप मोस्ट जो कंपनियाँ वो लिस्ट की गई हैं, और इन टॉप मोस्ट कंपनीज़ में 1 करोड़ युवा जिनको इंटर्नशिप करने का मौका दिया, पहले बेचारों को इंटर्नशिप ही नहीं मिलती और इंटर्नशिप के दौरान फिर इनको कुछ मिलता नहीं है, अपनी पूरी इंटर्नशिप में 6,000 रुपया वन टाइम और 5,000 रुपया पर मंथ, मान लीजिए एक साल इंटर्नशिप करता है तो 60,000 रुपया वो और 66,000 रुपया सरकार देगी। ये इन एडिशन होगा, एक एडिशनल होगा जो सरकार जो वो कंपनी जिसे कहते हैं अपने इंटर्नी को, इंटर्नी कहते हैं जो इंटर्नशिप कर रहा है उसको दे रही है, तो उसके अलावा सरकार इसको पुश करके तो एक ये एक सेफ पीरियड एक रहता है जिस दौरान एक चूँकि यहीं से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, कंपनीज में ये लोग जाते हैं, इससे मुझे लगता है कि इनको काफ़ी पुश मिलेगा। स्टैंप ड्यूटीज़ में आगे ही फीमेल्स को एक स्टैंप ड्यूटी कम है, सरकारों को कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप इसमें अपनी स्टैंप ड्यूटी को और लोअर करें ताकि फीमेल्स को इसमें हम प्रॉपर्टी ऑन करने में फ़ीमेल सारा लगा पाएँ। पूरे बजट के जो फीमेल्स की अगर बात करें तो 3 लाख करोड़, मैंने कहा कि बजट महिलाओं को समर्पित है, 3 लाख करोड़ की जो स्कीम्स हैं जिससे महिला सशक्तिकरण, महिला इमेंसिपेशन, महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट, उनका महिलाओं का समावेश और महिलाओं की जिसे कहते हैं भागीदारी, इनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए 3 लाख करोड़ की स्कीम्स सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय ईयर में जिसे कहते हैं लॉन्च करने का अपना एक विषय जिसे कहते हैं दोहराया है। हाउसिंग फॉर ऑल की अगर बात करें, 1 करोड़ शहर में और 3 करोड़ और 24 लाख गाँवों में, तो मान लीजिए सारा मिला के तकरीबन 4.25 करोड़ मकान इस 5 वर्ष में सरकार ने बनाने का उसके अलावा फाइनेंशियल जिसे कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी रहा था। आप सबके ध्यान में रहे कि 70 वर्षों में जो टोटल नंबर ऑफ जो मकान हैं जो हमने पिछले 5 साल में दिए और अगले 5 साल में देने वाले हैं, ये 70 वर्षों का 5 गुना से भी आगे ज़्यादा जिसे कहते हैं लिमिट है। 70 वर्षों में इतने मकान नहीं बनाए पाए, हम हाउसिंग फॉर ऑल के जिसे कहते हैं इस विषय को इस बजट में लाने की एक हमने जो अनाउंसमेंट की है। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 4, ये हमारे सब मित्रों के सबकी कंजम्पशन के लिए भी हम बड़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, काउंसिल में भी आपके कई लोग आते होंगे, एग्जीम्स बताते हैं कि वो फेज 4 की सड़क है, अभी फेज 4 नहीं आ रहा, तो फेज 4 को भी इस बजट में जिसे कहते हैं इंक्लूड किया है। बहुत जल्दी फेज 4 का नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री फॉर रोड सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं लॉन्च करेगी और वो फेज 4 भी के तहत हमें 25,000 जो सड़कें इस देश में और सबसे प्रायोरिटी जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में भी हमें इसमें देखने को मिलेगी, जिससे ओवरऑल जिसे कहते हैं सपोर्ट मिलेगी। बार बार अपोजिशन ने, विपक्ष ने जिसे कहते हैं वो एक कटाक्ष करने की कोशिश की है सिक्योरिटी सिनेरियो पे, खासकर वो चाइना के साथ जो हमारा जो विषय रहता है, या बार बार जिसे कहते हैं पाकिस्तान से प्रसारित प्रायोजित जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में घुस के हमारे लोगों की रक्षा और सुरक्षा को जिसे कहते हैं नुकसान करते हैं। आप सबके ध्यान में रहे, अपने आप का इतिहास में ऑल टाइम हाई 4,54,7,770, तो तकरीबन 4,55,000 करोड़ का डिफेंस बजट इस बार सरकार ने तय किया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस को 100% सरकार ने उसका बजट जिसे कहते हैं ऑन किया है, जम्मू कश्मीर की पुलिस का, जम्मू कश्मीर की पुलिस का जो बजट है वो 100% सरकार टेकअप करेगी। अब जम्मू कश्मीर की पुलिसिंग रिफॉर्म्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
बजट का इंतज़ार नहीं करेगी, ये 100% एक सेंट्रल सब्जेक्ट होगा। ये अपने आप में बार बार जम्मू कश्मीर पुलिस की मांग रहती थी, मुझे लगता है अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। 60,000 करोड़ पिछली बार 2023-24 में मनरेगा के लिए आवंटित किया गया था, इस बार 26,000 करोड़ का जंप है। 86,000 करोड़ रुपये से मनरेगा रोज़गार भी देगा और ग्रामीण में जिसे कहते हैं विकास भी देगा। रिसर्च की बात करें तो अब इंडिया पूरे वर्ल्ड के नंबर 3 में आ गया है स्पेस रिसर्च की अगर बात करें। इस स्पेस रिसर्च में, रिसर्च और डेवलपमेंट में जिसे कहते हैं, हमारा पहले हम 840 करोड़ पे थे, आज हम 1200 करोड़ का जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही सोशल वेलफेयर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, कैंसर रिलेटेड ड्रग्स, मोबाइल फ़ोन्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स भी छोटे छोटे जो अपने घरों को लगाएंगे, LPG, इन सब को जिसे कहते हैं एक शॉर्टर थोड़ा सस्ता करने की इस बजट में आज जिसे कहते हैं बात की गई है। तो ये जो एक मुख्य बिंदु हैं जो एक आम आदमी के साथ जुड़े हैं, जो हम सब के, जैसे मैंने कहा, युवा के साथ जुड़ा है, जो महिला के साथ जुड़ा है, जो गरीब के साथ जुड़ा है, जो किसान के साथ जुड़ा है। किसान के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके ध्यान में रहे कि 1 करोड़ लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जोड़ना, ये सरकार का एक नया, एक जिसे कहते हैं मिशन, इस बार सरकार ने लॉन्च किया है। इन 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के साथ, और नेचुरल फार्मिंग में भारत को एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं एक एक्सपोर्ट, एक वर्ल्ड प्लेयर बनाना, ये सरकार का एक मंशा भी है और सरकार का प्लान भी है। पूरा एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें या राष्ट्रीय सहकारिता नीति, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी की बात करें, वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन की बात करें या नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस करने की बात करें, तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक शिफ्ट, बहुत बड़ा एक सेक्टर तय किया गया है इस बार के बजट में। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर को, फार्म्स को ये फोकस पर रख के ये बजट जो हमने तय किया है, इन सब के साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने वक्त की नहीं, आज तक की इतिहास की बिगेस्ट एवर, मैं वहाँ भी किश्तवाड़ भी किसी को करेक्ट कर रहा था, वो कह रहे थे जनरल जोरावर सिंह अपने वक्त के नहीं, दी वन ऑफ हिज ऑन काइंड एवर इन हिस्ट्री, वर्ल्ड के आज तक के सबसे बड़े आर्मी जनरल, ये इंग्लिश जिसे कहते हैं राइटर्स और फिलेंथ्रोपिस्ट और मिलिट्री जिसे कहते हैं एक्सपर्ट्स ने उन्हें जिसे कहते हैं लेबल किया है। ऐसे ही नालंदा आज तक की अपने आप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसे तहस नहस हो गई एक सांप्रदायवाद या जिसे कहते हैं एक एक्सट्रीमिज्म के जिसे कहते हैं तहत, वहाँ पे आज उस नालंदा को रीसेलेक्ट करना, उसका पुनर्स्थापन करना और उसको शोकेस करना और फिर उसे पूरे वर्ल्ड के सामने एक नया मॉडल डेवलप करना, सरकार ने उसकी भी बात इस बजट में की है। मैंने मोटे मोटे बिंदु आपके ध्यान में भी लाए हैं, अपने जो वशिष्ठ हमारे सजला डोडा के जो साथीगण हैं उनके ध्यान में भी आए, हम इसके बाद डिटेल एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे, इसमें जो सुझाव भी होंगे आपके भी होंगे और इनके भी होंगे। और ये बजट जिसे कहते हैं दिस इज नॉट दी लास्ट वर्ड ऑन दी सब्जेक्ट, भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन डिस्कशन, बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव डिबेट, एंड कोई भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव, कोई भी कंस्ट्रक्टिव पॉइंटर, वो किसी भी ओर से हो, किसी भी प्लान से हो, मीडिया बंधुओं की ओर से, हमारे मित्रों की ओर से हो, हम उसे भी जिसे कहते हैं टेकअप करके सरकार को एक उसका रिपोर्ट बना के उसमें ज़रूर भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो हम